तेरा ही दरबार सच्चा बाकी सब। हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल है आपके? ठीक हो, बढ़िया हो, बहुत बढ़िया रहो। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत सन्नी पाजी ब्लॉग के साथ। टाइम दोपहर के एक, थकावट इतनी ज़्यादा हो गई ना, मतलब मानोगे नहीं। कल मैं एयरपोर्ट छोड़ने गया हूँ, आते हुए जसदीप को बोला भाई तू गाड़ी चला, मैंने चल नहीं रही, वो इतना ज़्यादा थक गया था ना, मैं सोता हुआ आया और आके ऐसा सोया। आज सुबह 11:30 भी उठा हूँ सो के, अब बस रेडी होकर निकल रहे हैं, सीधा एयरपोर्ट जाएंगे, क्योंकि पापा की फ्लाइट है मम्मी की, उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करके छोटा मोटा घूम के आएंगे। कोशिश ये है कि आज रात को 12 बजे निकल जाएँ या कल सुबह तक निकल जाएँ, सुबह 4 बजे, बाकी देखो जो भगवान जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। तो बस निकल रहे हैं अभी। यार आप रेडी नहीं हुए हो, 1 बज गया भाई साहब, 1:30 बजे निकलना टारगेट है मेरा। हम बिबियाना जा रहे हैं ना, तो फिर यहाँ ना आएंगे, हम अपनी गाड़ी लेते, इनको अपना निकलने दो, जाओ यहाँ पे जो बड़ी ना, मैं निकल रहा हूँ, लेट हो रहे हैं। तू इधर जा रहे, फिर हम तो थाने जा रहे हैं कि इधर का लेने जा रहे हैं ना, जो बात तो पहले टीम की हुई थी। यस बोलो, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, किधर जाना है। देखो दिल्ली हम जाएंगे तो ऐसे घूम फिर के आएंगे, एक काम कर इनको जाने दे, देखो जरा चाहिए ना, हम सारा माओ के आते हैं मरीन ड्राइव वाला, सबसे बड़ा जा रहा जो इनको अपने जाने दे, ठीक है। तो यार जल्दी कर लो, अभी डिसाइड करो, हो गया टाइम, अच्छा आप अपना जा रहे हो, चल ठीक है हम चल रहे, तो गुरु मेरे साथ जा रहे हैं, उन्नति आप बोले जाओ, गुरु को मैं लेके जा रहा हूँ। यार रोटी रख चुकी है, जल्दी जल्दी खा लो, टाइम बहुत लेट हो गए हम लोग। और भैया भैया खा लो खाना, आप नहीं जा रहे एयरपोर्ट फिर, तो खा। चलो लड़कियों बाय बाय, मेरी गुरु से बात हो गई है, आप लोग हमें वहाँ मिल रहे हो बॉम्बे। हम क्या बोल रही हूँ, हम सीधा आप लोगों के साथ साथ में चलते हैं भाई साहब, 1:30 बज गया, 4 बजे की फ्लाइट है, मैं नहीं पहुँच पाऊंगा। हाँ आप लोग गुरु से गाड़ी में आ रहे हो, सब लोग बच्चे साथ में आ रहे हो, जिसान को बोल दिया रेडी होने के लिए, बस आप लोग वहाँ पे लिंकिंग रोड या वहाँ मिल रहे हो, आप लोग अपना हो ना, हमारे बस पहुँच रहे हैं, मैं वहाँ पे मिलते इकट्ठे मिलते, मैं निकल रहा हूँ भाग रहा हूँ, हाँ बस मैं पहुँच रहा हूँ, हम बैंड्रा मिल रहे हैं, चलो गुरु को जा रहे हैं आप लोग के साथ ही। अच्छा, अरे वो अपनी गाड़ी पे आ रहा है, बात हो गई मेरी, बच्चों को लेके आ रहा है, सबको लेके आ रहा है वो, चलो आपको तो परसों मिल रही है, भी परसों मिल रही हो, बाय जी, बाय जान, तू भी आ जा मेरा किम्मा, चलो बाय बाय, पहुंची सब जा रही है, जल्दी जल्दी आ जा, जल्दी जल्दी आ जा दादी पाच, चलो बाय बाय बच्चों, पिंक पिंक, गॉड ब्लेस यू, हाय, अच्छा वीर जी, चलो वी आर वेरी लेट, आई थिंक, हाँ बहुत ज्यादा लेट है, चलो चलो। तो 1:30 बजे हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं, 1 घंटा ज्यादा मुझे लगता लगेगा, फ्लाइट इनकी 4 बजे की है, तो बस आगे ट्रैफिक जो मिलेगी सही रहेगा। सामान सर आ गया, कुछ रहता नहीं गया, सब रख लिया, जो रह गया तो तू ले आई फिर, और तो बाकी परसों में आई रहा हूँ, उसमें कोई टेंशन नहीं, और मैं अपने दोस्त रूप के थी मम्मी के आगे भेज रहा हूँ, क्यों मुझे पता है गाड़ी में आते हुए बहुत सारे लोग हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग का जो सीन बन रहा है ना, हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से सीधा दिल्ली आएंगे, इधर दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से नीचे, अमृतसर ही ऊपर ले, हाँ ऊपर ले, अमृतसर से हम लोग जाएंगे सीधा करतारपुर साहब, करतारपुर साहब में मेरे जो पाकिस्तान के जो सब्सक्राइबर्स हैं आस पास के, अगर मेरे को मिलना चाहते हैं तो वहाँ पे आप करतारपुर साहब आ सकते हो, वहाँ मिलेंगे, क्यों भाई, यीशु भी आ रहा है, गुरु भी आ रहा है, और सारे न्यू ग्रेजुएट सारे आ रहे हैं, मतलब हम सारी पूरी फैमिली आए, 12-13 लोग ही, बहुत एंजॉय होने वाला है, और वहाँ से हम कहाँ आगे जाएंगे घूमने के लिए वो हम आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, पूरी टीम आ रही है, पूरी क्रिकेट टीम आ रही है। चलो ओके ओके, चलो ओके ओके ओके, चलो ओके, अब बोर्डिंग लेके फोन कर देना, बोर्डिंग लेके फोन कर देना, देखी जाएगी जो, चलो ओके, चलो ओके, चलो मैं जाए।
को ड्रॉप कर दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं लिंकिंग रोड, सिमरन बच्चे गुरु सारे आ रहे हैं वहाँ पे। थोड़ी बहुत वहाँ शॉपिंग करेंगे, लड़कियों की शॉपिंग आपको पता है कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकती। क्यों भाई? कभी नहीं। और मेरा विचार था कि हम आज रात को 11-12 बजे निकल जाए यहाँ से बॉम्बे से, पर अब कल का सीन हो गया हमारा, हम कल रात को निकलेंगे। सुबह 4 बजे निकलेंगे हम लोग, रात को 11-12 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि मैं हूँ, जस्सी है, गुरु है, हम तीन ड्राइवर हैं चलाने वाले। इशू शायद फ्लाइट पे आ रहा है, उसको कुछ काम पड़ रहा है, वो कह रहा है जीरू मैं कुछ काम निपटा के फ्लाइट पे आऊँगा पीछे से। मैं कहा ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अपना काम दे, काम भी बहुत जरूरी है। तो अब हम जा रहे हैं लिंकिंग रोड। मार्केट तो पहुंच चुके हैं, पर प्रॉब्लम आ रही है पार्किंग का इशू। भाई साहब पार्किंग नहीं मिल रही कहीं पर, इतना बुरा हाल है, ढूंढ के थक गए। क्या करें अब? नहीं यार पार्किंग पे अब शॉपिंग भी करनी है, गाड़ियों में कब तक बैठे रहेंगे? चलो देखते हैं, कहने के गुरु को बोला कि आगे गलियों में लगाते हैं गाड़ी कहीं पे। और दो बड़ी गाड़ी है हमारे पास, एक इनोवा है। नहीं हम इनोवा में घूमेंगे ना, इसको खड़ी कर देंगे, खड़ी कर देंगे, ये करना है हमने। अब देख रहे हैं क्या करते हैं। यहाँ पे हम खड़ी कर रहे हैं अपनी इनोवा और कार्निवल, हमारी बहुत बढ़िया जगह खड़ी हो गई। हमारा गुरु भाई भी हमारे साथ आ गया है। अब क्या हो रहा है ये बता। बिल्कुल भाई, अब हम जो शॉपिंग करेंगे थोड़ी बहुत, मजाक मस्ती चल रही है बहुत ज्यादा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई साहब, जो अगले 10 दिन का जो व्लॉग आने वाले है ना, इतनी मस्ती होने वाली, इतनी मस्ती होने वाली, आप सोच भी सकते, सोच ही नहीं सकते। सही भाई, हमने भी सोची, गुरु भी मस्ती करेगा बहुत ज्यादा, कहेंगे बिल्कुल। तो लिंकिंग रोड पे बैठे बैठे हम कुछ खाने पीने आए थे, भूख लगी थी, तो हमारे सब्सक्राइबर ही है भाई साहब, इनका नाम भी सनी है, बड़ा अच्छा लगे भाजी मिलके। तो मतलब ब्लॉग करते काफी देखते हैं, और सिटी भी आपको भी जानते ही है, yes, अच्छा लगे भाजी, आओ कभी दिल्ली मिला दे पक्का भाजी, थैंक यू जी। तो ये हमारा जस्सी भाई खा रहा है चॉकलेट क्रीम है ना, कहाँ पे? हाजी अली जूस सेंटर, बोर्ड लगाई नहीं यहाँ पे, फेरोशर खा रहा है, बहुत बढ़िया। ये फोन पे लगा भाई, मतलब आप लोग शॉपिंग करो, हम बाद धूप में खड़े हैं, गाड़ी लगाने जगह ही नहीं थी ना। तो गुरु कहता कि यहाँ पे आके रोल खाते हैं हम, ये ले जिशान का रोल, ये देखो हम यहाँ। भाई साहब से पूछा, भैया हम यहाँ कितने बैठे थे अभी, आधा पौना घंटा हम यहाँ बैठ के गए हैं, ये रहा। वाह कीमा, क्या ऑर्डर किया आप लोगों ने? फ्राइज, वेरी गुड। और वेज के लिए? गुड, वेरी गुड। क्यों, ये क्या बात हुई? डाइटिंग में अभी थोड़ी सी डाइटिंग की, कोल्ड ड्रिंक कीमा मैंने पीता। किमरन पता क्या बोली? कह रही जसदीप ने लाइनर लगाया। तो पता चला लड़की से पहले सही था, शादी के बाद पागल हो गया। ये पागल हो गया क्या? और क्या? पागल हो गया भाई, मैं तो नहीं हुआ, तू वैसे हो गया। वो कह रहे दो शादियां कर लो, क्यों इनकी शादी नहीं हुई? छड़े भाई, तूने बात बोली आज, वैसे भी रिश्तेदारी में दूर से भाई बहन ही लगते हैं। तो क्या हुआ फिर, कोई दिक्कत थोड़ी ना कुछ उसमें? आया था ना ताड़ने को, आपको क्या? ताड़ने को आया था तो शादी करके ले गया ना, तू ताड़ के उसको लेके नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, तू ताड़ के उसको लेके नहीं आया या वो अपने आप आई है? वो खुश है, वो खुश है। हाँ खुश है, चलिए अच्छी बात है, खुश है। बात तो सही है। क्या क्या बोला? क्या है इसने मेरे को अप्रोच किया? अच्छा उन्नति ने अप्रोच किया, देखो मुझे तो लगता है गुरु ने किया होगा। नहीं नहीं, गुरु ऐसे बहुत शरीफ था। ये बात है, चक्कर में फंस गया। अच्छा मेरे को लगा उन्नति वो दिखा रही है, कोई प्रूफ दिखा रही है। हम लोग एंटर हो गए हैं कौन सा बैंड स्टैंड, और किसी टाइम पे मैं ये वाली कोठी खरीदने वाला हूँ, पता आपको? मैं सिमरन को ये कोठी गिफ्ट करूंगा, आपको दिखा रहा हूँ। ये आपकी फेवरेट कोठी है ना, बसेरा वाली ना, भगवान ने चाहा तो कुछ सालों में मैं आपको ये वाली कोठी गिफ्ट करूंगा, दिखाऊंगा आपको। ये देखो ये कोठी भाई साहब, मेरी फेवरेट कोठी है ये, क्योंकि मेरी बीबी की फेवरेट है ना। ये देखो बसेरा, वो देखो
बस अपने भाई को अपना आशीर्वाद देना ताकि मैं अपनी बीवी को जल्दी सपना पूरा कर सकूं। क्यों भाई, होगी तो 250 करोड़ की है ना, इतने की तो हो गई लेंगे भाई साहब। चलो जितने ज्यादा की हो, कभी हमारे पास भी पैसा आएगा क्योंकि सास भी कोई बहू थी। ये कहाँ से आ गई? आ गई रहती हूँ मैं, आ गया। क्यों भाई, सही बात है। आजकल ड्रामे बहुत चल रहे हैं ना, इसलिए सास भी कभी बहू सीरियल याद आ गया। हाँ आपका दिखाओ वो, देखो भाई साहब ये पब्लिक खड़ी दिख रही है आपको, ये तो पब्लिक वेट कर रही है शाहरुख खान की। ये देखो ये इसका घर है शाहरुख खान का, अभी आने वाला है इनसे मिलने ना। ये देखो भाई साहब लोग यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं खड़े होके, कभी कुछ पता नहीं होता गुरु किसी। ये आंटी जी दरवाजा खोल के वेट करेगा शाहरुख खान की। तो भाई साहब मुझे लगता है कभी आप लोग भी मेरे जैसे वेट करोगे, पर मैं आपकी वेट नहीं करूंगा, मैं आराम से मिलूंगा आपको। क्यों भाई, हम भी स्टार बनेंगे एक दिन। कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ। सही कह रहा हूँ ना, मतलब मैं आपकी आपके लिए आपको कभी वेट नहीं कराऊंगा, खुद वेट कर लूंगा। ये शाहरुख खान का भाई साहब, समुंदर का व्यू देखो, मन करे बोटिंग करे। समुद्र किनारे आके नाल पानी ना पिए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप पियोगे ना उन्नति? और कौन पीना, अनिशा पिएगी नाल पानी? अनिशा नाल पानी और कोई है पीने वाला? तू पिएगा? चाय वाला, चाय वाला ये मिला रहे भाई साहब आपको? नहीं वो आपको मिला रहे सलमान खान से एक, तो ढूंढो ना क्या बंदा। पिछली बार का ब्लॉग देखो, उसने दीजिए की शक्ल याद है गुरु? याद है, याद है उन्होंने अभी तो बोला मेरी सेटिंग है चाय वाले की। मेरी सेटिंग सलमान खान को मिलाने के लिए, हे भगवान। वो देखो वो चना चोर गरम खा रही है, चोर गरम, चोर गरम। चना चोर ठंडा। अरे भैया आपका बैंड स्टैंड बनेगा क्या फायदा, सलमान खान से मिला नहीं पा रहे मैडम को यार। हैं भाग गए भैया की माँ कह रही, मैसेज बोली थी अनिशा कह रही है मैं पैर दबा दिया, कोई बोझ ना बेटा उसका मेरे को बता। है। चाय पी रही है बहुत आराम से, गाड़ी चलाइयो समझा? ठीक है समझ गई। चाय के साथ में चना जोर गरम, क्या टेस्ट भाई साहब। जोर गरम नहीं होता, चोर गरम। अबे जोर होता है, जोर होता है, जे ओ आर, चना जोर गरम। चने को जोर से गरम करते हैं, चना जोर गरम बनता है, ये कह रहा हूँ ना मैं। क्या यार आराम से भाई, मैं नाक में चाय जा रही है, नाक में चाय जा रही है। कैसे हिल रहा है ना? हिल रहा है भाई गुरु, आराम से बेटे। जिस खुशी के चक्कर में एक बार सिमरन हमको पनवेल तक लेके गई थी गुरु, मेरे को गाड़ी में पेट्रोल नहीं था याद है गुरु? यस। सलमान खान से मिला ले तो वैसे एक बात माननी पड़ेगी, सलमान खान का घर खाली रहता है और शाहरुख खान का घर भरा रहता है। तो ये आ गया देखो सलमान खान का घर, ये ऊपर जो पर्दा लगा हुआ देखो रॉक जैन के ऊपर, ये सलमान खान का बाउंसर खड़ा है सिमरन को भगाने के लिए। वो पहले बोल रहा भागो यहाँ से है ना गुरु? सही बात है, सही बात है ना। तो पुलिस की सिक्योरिटी में है क्या? क्या क्या पुलिस से बात करनी है? खाओ वाला वाला क्या? अच्छा आप मराठी बोल रहे हो, अबे कोई ना भगाएगा लात मार के आपको, भागो यहाँ से। आज भी सिमरन का सपना पूरा नहीं हुआ भाई साहब, बहुत अफसोस की बात है। जब जब आप लोग आते हो ना तब तक मेरा सपना नहीं होता। क्या जब जब आप लोग आते हो ना मेरा सपना पूरा, मतलब हम आपके लिए मनुष्य है। इशू है ना, इशू में बहुत टाइम है बात करने का, वो पटा लेता है। अब अगले बार इशू ही है, बड़ा मिला दिया 20 साल में तो मिला नहीं पाया, आपको आज मिलाएगा। पूरा कॉन्फिडेंस हमारे पे नहीं है, कॉन्फिडेंस आपको ठीक है, देख रहे भाई कितनी बेइज्जती की बात है। साला पनवेल हम लेके गए थे दूर घुमाते हमें, कॉन्फिडेंस वहाँ है, कॉन्फिडेंस वहाँ है। बताया आपका
वो मैनिपुलेट ही है। कोई रेनबो सर्कल चले, वो चले रेनबो सर्कल लगी यहाँ पे। नहीं है बाबा, रैम्बो है। हाँ रैम्बो, रैम्बो, रैम्बो बोल दिया। हाँ रैम्बो पता मेरे को। सिमरन गले में चाय फंस गई, ठीक है? बैक मार गई। ओ यार गुरु, बैक मार गई। उनके गले में चाय फंस गई और कैमरा चालू कर ले 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 मजा ले, प्रॉन्स का जम के मजा ले। क्यों भाई थोड़ा आओ और प्रॉन्स ना खाओ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्यों भाई जस्सी सिंह, है ना? उम्मीद छोड़ दी थी। हाँ मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, मतलब सुबह दिल्ली वापिस जाना, मेरा आज खा के जाएंगे या कुछ हो राइटिंग के, ऐसी आज दिन राइटिंग नहीं करूंगा। क्यों भाई? बिल्कुल बस खा के निकल रहे हैं यहाँ से, अब घर जाएंगे, घर जाके वेट करके सो जाएंगे। गाड़ी का माहौल देखो, सब सोए हुए हैं। मैं जाग रही हूं। कौन जाग रहा है? तू जा गई है ना? किमन सोई है? सिमन भाई सब सो गए, सिर्फ हम जागे हुए हैं। मतलब इतना पक गए सब ट्रैफिक। माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा हले। यकीन क्यों नहीं हो रहा? डैडी साहब हेलो, बहुत अच्छी फैमिली है सिमरन पापी सब, ऑल ऑल गुड ड्रीम गेयर सब, बहुत अच्छे हो गए। हां जी हां जी बिल्कुल, थैंक यू। अरे ट्रैफिक बड़ा था यार, बड़ा बुरा हाल था, बड़ा फंसे हम तो आज, पूछो मत। हाँ बहुत बुरा फंसे आज। तो यहाँ पे चल रही है हमारी एडिटिंग, सारे बैठे और यहाँ चल रहा है इनका एंजॉयमेंट। कौन सी गेम खेल रहे हो भाई? अब पैसे से लगाए खेलो तो फायदा है, अभी टाइम पास कर रहे हो। क्यों नहीं करते? बोले गुरु देखो बीवी की याद में यहाँ बैठा मोबाइल पे लगा है, काम कर रहे हैं यार, काम कर रहे हैं। और मामी जी क्या हो गई? तैयारी हो गई? बढ़िया है। हाँ जी हाँ जी ठीक हो? बाकी बढ़िया सब एकदम एकदम। आप बताओ? ठीक है ठीक है, मिलेंगे फिर कभी, बढ़िया रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, और लोगों को भी ऐड कर लो। पक्का पक्का, हाँ आप रखो, कोई दिक्कत नहीं। ओके और भी जी बाकी सब बढ़िया? ठीक 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 है, ओके जी ठीक है। हाले बॉम्बे जाएगा कल सवेरे निकलांगा, तो मतलब कल शाम ही निकलांगा, सॉरी परसों दिल्ली आ जाऊंगा। तो तुसी मिलना नहीं, तुसी प्रोग्राम नहीं बना रहे कोई? आओ जी दिल्ली आओ, मुलाकात कर लेंगे, बनाने प्रोग्राम। पक्का पक्का सर, पक्का सर। मैं बात कर रहा था कि आपका जो सब्सक्राइबर हूं मैं, मतलब मैं आपको सब्सक्राइब करके रखा हूं, आप मेरे वीडियो देखता हूं। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगता है आप सब्सक्राइबर हमें इतना प्यार करते हो। सब्सक्राइबर क्या आप हमारी फैमिली की हो? हाँ जी सब अच्छे सर। चलो भाई, बाय 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 बाय।
की बात है, कोई बात नहीं, स्कूटर पे जा रहे हैं। ये देखो थोड़ा स्टंट बाजी कर रहा है। ये सुबह बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया जगह था। तो बस अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।